हेलो दोस्तों, थर्ड वीडियो है सिसिलियन डिफेंस के अगेंस्ट खेलने का। तो पहले वीडियो में हमने देखा था e4 c5 नाइट f3 d6 d4 c takes d4 knight takes d4 knight f6 एंड c3 एंड g6। ये था फर्स्ट वीडियो सिसिलियन के बारे में ड्रैगन वेरिएशन। इससे बाद सेकंड वीडियो में a6 जो प्रॉपर नेस्डॉर्फ वेरिएशन। तो ये दोनों हमने देख लिए दोनों वीडियो में। आज मैं आपको दिखाऊंगा सिसिलियन पॉल्सन अटैक, कान अटैक और टाइमानोव अटैक। ब्लैक की ओर से ये तीन लाइन और भी है, तो तीनों लाइन आज के वीडियो में आपको देखने को मिली। चलिए शुरू करते हैं e4, c5, knight f3, d6 के बदले e6। अब ये लाइन भी ब्लैक की ओर से बहुत स्ट्रांग होती है सिसिलियन में। इसमें भी आपको खेलना होता है d4 ही। अब cd4, knight d4 इतने मूव कॉमन हो जाएंगे। और यहां से अगर ब्लैक a6 करता है तो इस लाइन का नाम हो जाएगा कान अटैक। दूसरा जो है NC6, इसी पोजीशन में ब्लैक NC6 भी कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे A6। यहां पे आपको खेलना है Knight C3 और NC6। अब दोस्तों ये मूव ऑर्डर चेंज करके भी NC6 और उसके बाद A6, तो दोनों में टाइमोनोव और कान अटैक आ जाएगी। अब NC6 के बाद यहां पे मेन लाइन जो क्या है बिशप e2, जिसमें ब्लैक खेलता है क्वीन c7। साइड लाइन, दो साइड लाइन मैंने बनाई है आपके लिए स्पेशली, और नए प्लेयर को आप आराम से हरा सकते हो सिसिलियन में। साइड लाइन में अर्ली अटैक करना है आपको। तो यहां पे बिशप e2 के बदले दो साइड लाइन है, एक तो बिशप c4 और दूसरी जो साइड लाइन है बिशप knight f6 के बाद। तो पहले हम देखेंगे बिशप c4। यहां पे मोस्ट पीपल क्वीन c7 खेलते हैं, उसके बाद यहां आपको खेलना है knight c6। जनरली क्वीन टेक्स नाइट लोग को मारते क्योंकि बिशप पे अटैक आता है। क्वीन टेक्स नाइट में क्वीन e2 और ब्लैक का प्लान होता है b5, और पूरा जो अटैक है क्वीन भी एक्टिव रहती है b5। अब ये सबसे बड़ी बिग ब्लंडर होगी यहां पे बिशप d5। कंप्लीटली आप रूक प्लस हो रहे हो क्वीन अगर हट गई तो, और पॉन टेक्स बिशप पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉन टेक्स बिशप में आपको ब्लैक की क्वीन मिल जाएगी डिस्कवर चेक से। तो ये थी पहली ट्रैप बिशप d5। ओके, दूसरा देखते हैं बिशप f4 सिक्स्थ मूव में। आप दो तरीके से खेल सको इसीलिए मैंने दो लाइन बनाई है। यहां पे bc4 के बदले बिशप f4, आप डायरेक्टली c7 जो स्क्वायर है उसे सपोर्ट, मतलब क्वीन को आने से रोकते हो। तो बिशप f4 के रिप्लाई में ज्यादा पीपल ng e7 खेलते हैं। आइडिया बिहाइंड दिस मूव, नेक्स्ट मूव में d5 करना है। यहां मैं आपको एक ब्रिलियंट मूव बताता हूं, Nd b5 अगेंस्ट सैक्रिफाइस। अब ये गेम कंप्लीटली व्हाइट जीत जाएगा। पीस सैक्रिफाइस लेना जरूरी है क्योंकि Nd6 चेकमेट की थ्रेट है। आफ्टर Ab5 Nb5 फिर से Nd6 चेकमेट की थ्रेट है। तो यहां पे d6 पॉसिबल नहीं है, तो सबसे बेस्ट मूव क्या होगा d5। और यहां ब्रिलियंट मूव, आपको ब्लैक की क्वीन मिल जाएगी बिशप c7, क्वीन d7 ओनली ऑप्शन और Nd6 विनिंग द क्वीन। फोर्स मूव है क्योंकि किंग के पास कोई जगह नहीं है, चेक है, और चेक बचाने के लिए मारना पड़ेगा और आपको नाइट के बदले क्वीन मिल जाएगी। तो ये दो ट्रैप है, ये भी आप यूज कर सकते हो। अब देखते हैं मेन लाइन सिक्स मूव में। बिशप e2 ये है मेन लाइन। यहाँ पे मेन लाइन का प्रिपरेशन जरूरी है। क्वीन c7
यहाँ पे जो प्रॉपर मूव है सबको पता ही होगा, बिशप e3 क्योंकि नाइट पे अटैक भी है और बिशप डेवलप भी करना है। ब्लैक रिप्लाई देता है nf6 इस लाइन में, और nf6 के बाद आप सिंपल कैसल करोगे। बिशप b4 आइडिया, यहाँ पे बिशप टेक्स नाइट और नाइट e4 आपका हैंगिंग पॉन है, उसे लेने का प्लान है। bb4 के बाद सबसे बढ़िया मूव जो आपने कभी देखे नहीं होगी शायद, नाइट a4 सैक्रिफाइस e4 पॉन, ये एक कुछ नया है आपके लिए। लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली अगर व्हाइट ने ब्लैक ने पॉन एक्सेप्ट किया तो भी ब्लैक लॉस हो रहा है। कैसे देखते हैं, नाइट e4। अच्छा, अगर ब्लैक ने पॉन एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या करना है, मानो कि ब्लैक ने कैसल कर दिया तो यहाँ पे आपको f4 करना है और नाइट e4 और उसके बाद नाइट टेक्स c6 और आपको क्वीन d4 से डबल अटैक से पीस मिलेगा। तो यहाँ पे एक ये ट्रैप है, कैसल के बदले नाइट e4, पहले ही नाइट e4 कर दिया सपोज, तो ये ब्लैक के लिए थोड़ी सी, ब्लैक को मोस्टली लोग 94 मार ही लेंगे क्योंकि अनसपोर्टेड पॉन है आपका, नाइट हट गया, उसने प्लानिंग क्या किया था बिशप से नाइट पे अटैक किस लिए किया था कि उसे सेंटर का पॉन मिल जाए, तो हम दे रहे सेंटर का पॉन। अब क्या करना है, 94 के बाद यहां पे आपको खेलना है नाइट c6। अब क्वीन c6 कंपल्सरी मूव है क्योंकि पॉन टेक्स अगर मार दिया तो सिंपल डबल अटैक से आपको दोनों में से एक पीस मिल रहे और पीस प्लस हो जाते हो। तो यहां पे क्वीन c6 एक फोर्स मूव है। क्वीन c6 में आपको क्या करना है, पहले तो नाइट से रुक पे अटैक, अब रुक b8 ये भी फोर्स है, और उसके बाद क्वीन d4 डबल अटैक, और यहां पे g7 पे भी अटैक है। अब नाइट तो प्रोटेक्टेड है तो बिशप अनसपोर्टेड है, तो बिशप f8 ये फोर्स मूव लगता है मुझे। बिशप f8 के बाद एक और जबरदस्त मूव है बिशप f3। अब यहां पे नाइट बचाने का दो रास्ते हैं, एक तो d5 और f5। f5 अगर कर दिया तो यहां से सिंपल बिशप चेक आएगा, पॉन पुश नहीं हो सकता क्योंकि पॉन पुश में रुक पे नजर है हमारे, तो यहां पे कंपल्सरी किंग मूव करेंगे और Rd1, और ये पोजीशन टोटली व्हाइट के फेवर में, व्हाइट के सारे पीसेस जबरदस्त अटैक में है, किंग सेंटर में घूमता रहता है। तो चलिए दूसरा रास्ता देखते हैं, यहाँ पे f5 के बदले d5 ये प्रॉपर रास्ता है, लेकिन यहां भी मैं आपको सेंटर ब्रेक के लिए c4 बेस्ट मूव बता। अब ब्लैक के पास लास्ट चांस क्या है, बिशप c5, लेकिन इसमें क्वीन टू g7, रुक f8, सारे फोर्सेस मूव, और अब सबसे ब्रिलियंट मूव नाइट सेक्रीफाइस, नाइट d5, उसके बाद नाइट d5, यहां पे पॉन टेक्स नाइट अगर करते हैं तो सिंपल क्वीन चेक और आपको रुक मिलता है, और कुछ और मूव होता है तो नाइट f6 नेक्स्ट रेट है हमारी, और चेक, और ये आपको नाइट मिल जाएगा, अगर नाइट टेक्स नाइट किया तो क्वीन मिलेगी। तो ये ट्रैप थी और मेन लाइन थी, इसके सारे मूव आपको कर देने हैं। एक e4 वाला पॉन आपको सेक्रीफाइस करना है, यहां पे ध्यान रखो, अगर यहां सिंपल एक मूव और भी है b5, लेकिन b5 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइट टेक्स नाइट देन नाइट b6 रुक पे अटैक करके आप अपना पीस बचा सकते हो, पॉन भी सेव हो जाएगा, ये भी आप ट्राई कर लेना, लेकिन ज्यादातर b5 ये बेस्ट मूव नहीं है, तो ध्यान रखे और ये गेम, ये लाइन आप अपने गेम में यूज करके देखें, और मुझे आई श्योर कि आपको मजा आएगा इसमें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में और भी अलग अलग सिसिलियन के जो बाकी वेरिएशन है वो मैं आपको बता दूंगा।